हेलो। सो टुडे अगेन वी विल टेक अप वन क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ दी व्यूअर्स विच ही रोट इन द कमेंट सेक्शन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डेली अपडेट्स। नाइस वीडियो सर, थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स सर। सेवन सोल्जर्स क्लाइंबिंग ऑन द हिल विद राइफल सर इन नॉर्मल बूट, व्हाट कुड बी द थीम सर, प्लीज गाइड। तो ये देखो, मैं अभी थीम आपको बताया है कि वॉर या सोल्जर्स के ऊपर माउंटेन्स पे हैं, क्लाइम कर रहे हैं। तो नेचुरली लद्दाख या कारगिल या पाकिस्तान बॉर्डर टुवर्ड्स कारगिल, तो वो एनिमी, फेस टू फेस एनिमी के हैं। तो इट इज़ एनी टाइम इट कैन बी ए वॉर लाइक सिचुएशन। तो ये इस तरीके की सारी पिक्चर्स जो हैं जिसमें विद आर्म्स एंड इन फौजी यूनिफॉर्म, तो ये तो क्लियर है कि ये फौजी हैं और पांच सात लोग चल रहे हैं। कई तरीके की पिक्चर्स हैं ये जिस पिक्चर की आप बात कर रहे हो उसमें माउंटेन पे क्लाइम कर रहे हैं, तो दैट कैन बी एनी एनिमी और इवन टेररिस्ट। तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का सीन है, तो एनिमी का ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या टेररिस्ट का है। तो नॉर्मली इस तरह से जो हाई एल्टीट्यूड पर इस पर जा रहे हैं वहाँ टेररिस्ट के चांसेस थोड़े कम होते हैं और एनिमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कोई ऐसा सिविल सा एरिया है या कोई और एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा बॉर्डर वाला ऐसा एरिया नहीं लग रहा है, तो फिर टेररिस्ट का भी चांस हो सकता है कि टेररिस्ट पर भी स्टोरी बनाई जा सकती है। बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया इफ इट इज अपेयरिंग देन इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट टू मेक ऑन द एनिमी। अब इसके ऊपर जो रिकमेंडेड कैंडिडेट ने स्टोरी लिखी है, इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। आफ्टर सीइंग दिस स्टोरी आई टोल्ड हिम यू विल बी रिकमेंडेड एंड ही वॉज रिकमेंडेड नाउ ही इज इन NTA। तो ये मैं कोट करता हूँ बाकी लोगों को भी, अपने कैंडिडेट्स को भी मैं एग्जाम्पल की तरह दिखाता हूँ कि ये कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी स्टोरी इसने लिखी है। तो अगेन आई विल नॉट एडवाइज यू डैट इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो। हाँ, इंस्पिरेशन लेके इससे और आप अपनी स्टोरी आप बना सकते हो अपनी लैंग्वेज में। तो थीम तो वही रहेगी कि एनिमी की इन्फॉर्मेशन इसको मिली, इन लोगों को, इनमें एक लीडर है, कोई भी है, वो कैप्टन है या मेजर है, और उसकी टीम है साथ में, और ऐसी चीज़ों का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP कहलाता है कि अगर अटैक होगा एनिमी का तो ऑलरेडी वी आर प्रिपेयर्ड, एक एक्शन प्लान हमारे पास है ऑलरेडी। तो हम उस समय मीटिंग बुला के नहीं बैठते हैं कि अब मीटिंग बुलाएंगे और अब डिस्कस करेंगे क्या करें भाई, एनिमी अटैक कर रहा है अब क्या करें। तो ऐसा नहीं होता है, ये प्लान पहले से ही डिस्कस होता है और माइनर चेंजेस थोड़े बहुत सिचुएशन के हिसाब से हो सकते हैं, वो उसी समय बता दिया जाता है। तो दूसरे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनिमी को प्रिंसिपल ऑफ वॉर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज सरप्राइज। सो एनिमी को आप सरप्राइज दोगे तो आपकी जीत के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड। अगर एनिमी को पहले पता पड़ गया, फोर वार्निंग मिल गई, तो इट इज़ एज गुड एज फोर आर्म्ड कि पहले से ही वो तैयार होकर बैठा है कि अच्छा इधर से अटैक करोगे तो हम ये करेंगे। तो वो अपना जो भी रिएक्शन उसको करनी होगी उसके लिए उसको प्रिपरेशन टाइम मिल जाता है, लेकिन सरप्राइज अटैक में एनिमी को प्रिपरेशन टाइम नहीं मिलता। तो अब देखो इसने कितनी अच्छी स्टोरी लिखी है, आई जस्ट रीड आउट टू यू। इससे इंस्पिरेशन लेके आप अपनी स्टोरी बना सकते हो। इस थीम पर भी जो पिक्चर आप बता रहे हो और सिमिलर पिक्चर्स में भी जो बॉर्डर का सीन आपको अपीयर हो उस पिक्चर में। मनोज वॉज ए ब्रेव यंग ऑफिसर, ही वॉज पोस्टेड टू ए फॉरवर्ड बेस। तो देखो आ गया फॉरवर्ड बेस, जो उसको दिखाई पड़ रहा है वो फॉरवर्ड बेस मालूम पड़ रहा है। वेयर ही गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमी मूवमेंट इन द माउंटेन एरिया अंडर हिज कंट्रोल। अब देखिए ये
एनिमी मूवमेंट इन माउंटेन एरिया अंडर हिज कंट्रोल ही गॉट इन्फॉर्मेशन। तो इसने अपने इन्फॉर्मर्स लगाए हुए थे, इन्फॉर्मेशन इसको मिली, जो माउंटेन एरिया इसके कंट्रोल में था उसमें एनिमी मूवमेंट। तो ये नहीं इसने कहा कि एनिमी ने वहाँ पर अपनी पोस्ट बना ली थी, एनिमी कोशिश कर रहा था, मूवमेंट था, हलचल थी वहाँ पर, थोड़ा ये दिखाई पड़ रहा था कि कुछ एक्शन ये चल रहा है। तो दे हैव नॉट ऑक्यूपाइड आर टेरिटरी बट देर वॉज सम मूवमेंट एट द बॉर्डर एरिया। ही इमीडिएटली गॉट इन टू एक्शन विद हिज टीम एज पर डिस्कस प्लान। इमीडिएटली वर्ड इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। गॉट इन टू एक्शन विद हिज टीम, टुगेदरनेस आ गई, टीम वर्क आ गया। एज पर डिस्कस प्लान, मैंने बताया ऑलरेडी SOP होता है, ऐसा नहीं है कि अब ये अटैक हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है तो ये मीटिंग बुलाएगा और डिस्कस करेगा कि अब हम चलो जी प्लान बनाते हैं कुछ, इट्स नॉट दैट वे। एक्शन प्लान्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, तो वो पहले से डिसाइडेड होता है कि अगर ये होगा तो हम ऐसा करेंगे, कुछ लोग इधर से करेंगे अटैक, कुछ लोग उधर से करेंगे, वो सब प्लान डिस्कस होता है और बस वो कहते हैं कि चलो एज पर डिस्कस प्लान वी विल स्टार्ट आवर एक्शन एंड मूवमेंट। क्योंकि इसमें टाइम की इम्पोर्टेंस है, अगर यहाँ डिले होगा, मीटिंग करते रहोगे, प्लान करते रहोगे, तब तक तो एनिमी बहुत आगे निकल जाएगा, आपका सरप्राइज भी खत्म हो जाएगा। ही इमीडिएटली गॉट इन टू एक्शन विद हिज टीम एज पर डिस्कस प्लान। दे टुगेदर अटैक्ड, टुगेदर देखो आप बार बार टुगेदर वर्ड यूज हो रहा है, ये टीम वर्क बताता है हाउ इम्पॉर्टेंट इज टीम वर्क फॉर दिस पर्सन। दे टुगेदर अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड द फॉरवर्ड पोस्ट विच द एनिमी वॉज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश, विच द एनिमी हैज एस्टेब्लिश्ड, गलत हो जाता, विच द एनिमी वॉज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश, कोशिश कर रहा था वो, हमने करने नहीं दिया, कामयाब नहीं होने दिया। ये सेम स्टोरी चाइना के साथ में भी होती है कि वो कोशिश करते हैं, तो ये नहीं है कि दे हैव एस्टेब्लिश्ड ए पोस्ट एंड देन वी टुक इट बैक, तो वो तो फिर आपकी कुछ कमी बता रहा है कि भाई आप कर क्या रहे थे, आपके एरिया में एनिमी में पोस्ट बना लिया। तो ये लैंग्वेज बड़ी अच्छी, बहुत अच्छे से इसने सोच के ये लिखा है, आई रियली एडमायर हिज स्टोरी। दे टैक्टफुली अटैक्ड फ्रॉम डिफरेंट साइड्स एंड लॉन्च्ड एन ऑफेंसिव टू गेन द ग्राउंड। अब कई कैंडिडेट लिखते हैं चार दाएं गए, चार बाएं गए, चार इधर गए, आई डोंट थिंक दैट इज गुड। इसने कहा दे टैक्टफुली अटैक फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, इतने ज़्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं होती है कि दाएं गए बाएं गए, फ्रॉम डिफरेंट साइड्स में सब कवर हो गया। एंड लॉन्च्ड एन ऑफेंसिव टू गेन द ग्राउंड, एनिमी, आप देखो लैंग्वेज भी अच्छी लैंग्वेज इसने यूज करी है, ऑल्दो एनडीए कैंडिडेट है बट वेरी गुड लैंग्वेज। द एनिमी वॉज टेकन बाई सरप्राइज, तो सरप्राइज अटैक था, एनिमी वॉज टेकन बाई सरप्राइज, एंड सरप्राइज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वॉर। तो ये लड़का 12th का है, इसको प्रिंसिपल ऑफ वॉर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन स्टिल ही हैज़ पुट दिस थिंग के सरप्राइज करने से, इतनी कॉमन सेंस, इतनी नॉलेज इसको है, इतनी समझ है, इंटेलिजेंस लेवल इज हाई। द एनिमी वॉज टेकन बाई सरप्राइज एंड फ्लेड द एरिया लिविंग देयर वेपन्स एंड इक्विपमेंट, भाग गए, अपने वेपन्स भी छोड़ गए, इक्विपमेंट भी छोड़ गए। मनोज वॉज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड कॉम्प्लीमेंटेड हिज टीम फॉर द अचीवमेंट, ये लास्ट का सेंटेंस है, ही वॉज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, और अपनी टीम को कॉम्प्लीमेंट करा, वेरी गुड वर्क डन, थैंक यू सो मच। तो आपने पूछा है कि क्या हम इस पर स्टोरी बना सकते हैं, तो देखो अब आप बुक ले लो मेरी, काफ़ी गाइडेंस आपको वहाँ से, बुक से भी मिल जाएगी, और साथ के साथ आप वीडियो देख रहे हो, बुक इज़ नॉट अ कॉस्टिंग ए फॉर्चून, 200 रुपये की किताब है, घर बैठे अमेजन पर आप ऑर्डर करके मंगा लोगे, 3-4 दिन में किताब आ जाएगी, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यू सी आई एम नॉट सेइंग दिस टू सेल माई बुक, आप प्लीज़ मत खरीदो, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये छोटे 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 क्वेश्चन जो आपको परेशान करते रहते हैं और टाइम लगता है, मैं कुछ कवर कर पाता हूँ, कुछ नहीं भी कवर कर पाता हूँ, तो वो बुक से आपके क्वेश्चंस सारे के सारे, काफ़ी क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे, और साथ में आप वीडियो देखते रहो, तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आपको
कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट होगी, क्वेश्चंस मुझसे यहाँ पर पूछ लो आप, जो क्वेश्चंस इसके बाद भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप पूछ लो, और अच्छे से तैयारी करो, और रिकमेंड जब हो जाओ तो मुझे थैंक्स ज़रूर कर देना यहाँ पर। चलो बाय बाय।